सो ये एप्पल की तरफ से मोस्ट पॉपुलर फोन एंड जब ये लॉन्च हुआ था इसने मोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात करने वाले एप्पल के आईफोन एक्स के बारे में। ये लॉन्च हुआ था 2017 में एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, इस फोन को लॉन्च हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि 10 से 15 दिन बाद 2024 भी आ जाएगा, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या आपको आईफोन एक्स को 2024 में बाय करना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। वैसे मैंने ये वाला फोन सेकेंड हैंड लिया है, आपको कितने में लेना चाहिए, 2024 में इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है, नॉर्मल परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग कैसी हो जाती है, कैमरास कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में इनडेप्थ में पता चलने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे आईफोन्स पर इनडेप्थ रिव्यूज लाता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं आईफोन एक्स के लुक एंड फील से। तो नो डाउट 6 साल बाद भी आईफोन एक्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इन हैंड फील भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसकी एजेस राउंडेड है जिससे ग्रिप बहुत बढ़िया बनती है। ड्यूरेबिलिटी के लिए स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिलता है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत मटेरियल है और तो और आईफोन एक्स को ये नेक्स्ट लेवल की प्रीमियम फील देता है। वैसे इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इजीली आप 100 आप इसको यूज़ कर पाओगे। वेट मैनेजमेंट भी यहाँ पर कमाल का करा गया है, फ़ोन आपको ज़रा सा भी हैवी फील नहीं होगा। पोर्ट्स में हेडफोन जैक गायब है, बटन का प्लेसमेंट भी परफेक्ट है। सिक्योरिटी के लिए फेस आईडी दी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड फास्ट है। वहीं जो सिम ट्रे उसमें आप ओनली एक 4G सिम लगा पाओगे, आईफोन एक्स यहाँ पर आपको डुअल सिम देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एप्पल वालों ने आईफोन XR से ही डुअल सिम देना चालू करा था एंड आईफोन XR में भी आप ओनली एक ही फिजिकल सिम लगा पाते हैं, सेकेंडरी सिम आपको ई सिम करवानी पड़ती है। तो अगर आपकी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी डुअल सिम है तो आईफोन एक्स को आपको स्किप ही करना पड़ेगा। वहीं आईफोन एक्स आपको एक 4G फोन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको जो फ्री वाला 5G है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोगों के लिए डील ब्रेकिंग हो सकता है। बाकी का मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके घर में पहले से ब्रॉडबैंड या वाईफाई लगा हुआ है तो आप 2024 में इजिली 4G फोन को यूज कर सकते हो। वहीं मैं अगर बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाता है। एप्पल का ये पहला ऐसा फोन था जिसके डिज़ाइन में इतना बड़ा चेंज आया था। इसमें आपको फुल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 5.8 इंच का एक 2K सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले, HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले 120Hz किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं करा है तो एप्पल का 60Hz भी बहुत ही टनाटन चलता है, आपको कोई भी इशू फेस नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बता दूँ, एप्पल में 120Hz आईफोन 13 प्रो से ही आया है। उससे पहले के जितने भी फ़ोन हैं लाइक आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आईफोन 13, 14, इवन जो अभी रिसेंटली नॉर्मल सीरीज़ में आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, उन सब में आपको 60Hz का डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। तो अगर आपने कभी यूज़ नहीं करा 120Hz तो ईजिली 2024 में आप 60Hz के डिस्प्ले को यूज़ कर पाएंगे। बाकी का यहाँ पर आईफोन एक्स के डिस्प्ले की क्वालिटी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एक तो यहाँ पर आपको 2K पैनल देखने को मिल जाता है, ऊपर से OLED है जिसके कारण वीडियो एक्सपीरियंस आपका बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्वालिटी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाती है, कलर्स बेहतरीन आते हैं, प्रॉपर ब्लैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, व्यूइंग एंगल्स भी आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बाकी का यहाँ पर जो इसके बेजल्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है जिससे फ़ोन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वहीं जो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी काइंड ऑफ आपको बढ़िया ही देखने को मिलती है। डायरेक्ट धूप में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी का यहाँ पर छांव वगैरह या इंडोर में आप यूज़ करोगे तो अच्छा खासा विजिबल रहता है। 625 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। इसमें आपको 2-tone भी देखने को मिल जाता है जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपके डिस्प्ले के कलर को वार्म या कूल रखता है। एंड इसमें आपको 3D टच की भी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ये प्रेशर सेंसिटिव टच है, जितनी तेज़ होल्ड करोगे उतनी जल्दी ऑप्शन खुल जाते हैं। वैसे ये अभी के लेटेस्ट फ़ोन में से गायब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर 3D टच टेक्नोलॉजी आईफोन एक्सेस के बाद से डिसकंटिन्यू हो गई थी। वहीं मैं अगर बात करूँ आईफोन एक्स की परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको बायोनिक A11 चिप मिल जाती है जो कि नो डाउट 2024 में भी बहुत ही तूफानी तरीके से काम करेगी, लेकिन ओनली ऑन नॉर्मल यूसेज। ऑन टू डू स्कोर 5 लाख के पार चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी यूसेज में थोड़ा ये लैग करने लगता है। वो जो रपर अप वाली फीलिंग थी वो इसमें थोड़ी कम हो चुकी है। स्क्रोलिंग अगर आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो यहाँ पर UI में आपको ईजिली फ्रेम ड्रॉप नोटिस हो जाएंगे। पर्सनल ओपिनियन से बताऊँ तो 6 साल बाद भी आईफोन एक्स नॉर्मल यूसेज में बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। UI यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, नॉर्मल चलाने में फ़ोन मक्खन चलता है, एनिमेशन फास्ट है, टच रिस्पॉन्स भी आपको कनाकन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये कहानी ओनली नॉर्मल यूसेज के लिए है। अगर आपने थोड़ी सी भी हैवी यूसेज इसमें करी तो आपको
यूआई में लैग इजीली देखने को मिल जाएगा। बाकी का यहाँ पर इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट की कहानी भी सुन लो। इसको प्रॉपर 5 साल के अपडेट देखने को मिले। ये iOS 11 के साथ लॉन्च हुआ था एंड iOS 16 के साथ ये डिसकंटिन्यू हो गया है। लेटेस्ट iOS 17 का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको आईफोन X में देखने को नहीं मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस की ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपको फुल डिस्प्ले वाला आईफोन यूज करना है, एक्सपीरियंस करना है एंड आपकी परफॉर्मेंस का जो यूसेज है वो भी ज्यादा नहीं है, तो आप आईफोन X को 2024 में परफॉर्मेंस रिगार्डिंग इजिली कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी यूसेज थोड़ी हैवी टाइप है तो आपको आईफोन 11 की तरफ जाना पड़ेगा। गेमिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा इशू है। वैसे इसमें एप्पल के 3 कोर ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। BGMI ओपन होने में अच्छा खासा टाइम ले लेता है। ग्राफिक सेटिंग की बात करें तो मैक्स आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली सेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी का आपको इसमें जायरो भी मिल जाता है। जायरो में कोई भी लैग नहीं है। गेमिंग परफॉर्मेंस नो डाउट आपको तगड़ी मिलती है। गेम में ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते। रिएक्शन टाइम भी फास्ट है। दिक्कत बस इस बात की है कि 3 से 4 मिनट बाद ये फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है एंड उसके बाद ये अपनी ब्राइटनेस को लो कर देता है, जो कि बीच गेम में बड़ा इरिटेटिंग फील होता है। एंड इसकी बैटरी भी थोड़ी कम चलती है क्योंकि इसमें मात्र आपको 2716 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 2024 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कम है। और तो और यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ का पंगा भी देखने को मिल जाता है। अगर आप भी सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं तो 85% बैटरी हेल्थ से ऊपर वाला ही फ़ोन लेना, नहीं तो उसको स्किप कर देना। एंड ये भी चेक कर लेना कि इसमें बैटरी ओरिजिनल भी लगी है कि नहीं। इसको चेक करने का सिंपल सा एक तरीका है, फ़ोन लो, कैमरा ओपन करो, डायरेक्ट 500 शॉट्स लो। अगर बैटरी 1% गिरती है तो यहाँ पर बैटरी ओरिजिनल है। 1 से ज़्यादा गिर जाती है, 2-4% गिर जाती है तो यहाँ पर बैटरी लोकल लगी हुई है, तो उसी हिसाब से आपको उस फ़ोन की डील करनी है। बैटरी में तो यहाँ पर धक जाता है, आप बैटरी चेंज भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग आपको इसकी रुला देगी। बॉक्स के अंदर 5W का चार्जर आता है जो कि 3 घंटे ले लेता है चार्ज करने में। बाकी का यहाँ पर ये मैक्स 15W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मैं इसको 10W से चार्ज करता हूँ जो कि 2 घंटे से लेकर 2 घंटे 20 मिनट तक ले लेता है। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड आपको स्लो मिलने वाली है एंड इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी का यहाँ पर ओवरऑल आईफोन X की बैटरी परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। अगर आप अच्छी बैटरी हेल्थ पे फोन लेते हैं तो फोन आपका इजिली एक दिन निकाल देगा, लेकिन ये ओनली नॉर्मल यूसेज पे। अगर आपने फोन में कैमरा ज्यादा यूज करे, गेमिंग ज्यादा करी, तो फोन को आपको 2 बार चार्ज करना पड़ ही जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूंगा, अगर आपको बैटरी बहुत अच्छी चाहिए एंड पैसे का बजट भी कम है तो यहाँ पर सबसे सस्ता जो फोन है आईफोन में वो आपको आईफोन XS मैक्स देखने को मिल जाता है, जिसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा तगड़ी चलती है। तो अगर बैटरी मेन प्रायोरिटी है तो आईफोन XS मैक्स की तरफ आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसको देखकर लोग अपने बाइंग डिसीजन को भी चेंज कर देते हैं। जी, हम बात करने वाले हैं आईफोन X के कैमरास के ऊपर। इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 12 MP का प्राइमरी कैमरा है विद f1.8 अपर्चर एंड 12 MP का आपको टेलीफोटो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। नॉर्मल शॉट्स में आपको अच्छी खासी डिटेल मिल जाती है। फोटोज़ में कलर बेहतरीन आते हैं, डिटेल्स मस्त आती है। डायनेमिक रेंज में हल्की सी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल फोटोज़ यहाँ पर बढ़िया आते हैं एंड जो स्किन टोन है उसको भी ये बहुत तगड़े तरीके से मैनेज कर लेता है। बात करते हैं टेलीफोटो की, तो इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आईफोन X से बहुत गजब के पोर्ट्रेट शॉट्स आते हैं एंड मेरी नज़र में आईफोन X के पोर्ट्रेट शॉट्स आईफोन 11, 12, इवन 13 से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सारे फोन सॉफ्टवेयर की हेल्प से पोर्ट्रेट लेते हैं। वहीं आईफोन X 2x ऑप्टिकल जूम करके फोटो लेता है, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाती है। एज डिटेक्शन परफेक्ट होता है, बैकग्राउंड में ब्लर भी आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर एक सोशल मीडिया रेडी फोटो आपको मिल जाएगा। बाकी का यहाँ पर जो डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज कंट्रोल है वो तो आपको लेटेस्ट आईफोन में ही देखने को मिलेगा। आप ये मत समझ लेना कि लेटेस्ट आईफोन के कैमरास बेकार है, बस यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट शॉट्स की बात कर रहा हूँ। आईफोन X के पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल आते हैं एंड ये मैंने नोटिस करा है, जितने भी फोन हैं जिनमें डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा आता है उसके जो पोर्ट्रेट शॉट्स रहते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो आपको नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अगर बात करूँ वीडियो की, तो मैक्स आप 4K 60fps पर वीडियो बना पाओगे। क्वालिटी आपको बेहतरीन मिल जाती है। डायनेमिक रेंज कंट्रोल में हल्की सी कमी है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। फोकसिंग स्पीड भी आपको हर आईफोन में फास्ट मिलती है, तो आईफोन X में भी आपको तगड़ी ही देखने को मिल जाएगी। सेल्फी की बात करें तो आपको 7 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिससे डिसेंट सेल्फी आ जाती है। पोर्ट्रेट सेल्फी में एज डिटेक्शन में कभी कभी दिक्कत दे जाता है। वहीं जो वीडियो है मैक्स आप 1080 60fps पर बना पाओगे। अगर आप रील्स या शॉर्ट्स बनाने का सोच रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पर आईफोन X को आपको नहीं लेना चाहिए।
आपको आईफोन 11 की तरफ जाना चाहिए। एप्पल का पहला ऐसा फोन है आईफोन 11 जो कि 12 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ आता है। आप उससे 4K 60fps पर फ्रंट कैमरे से वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रील्स बनाने के लिए फोन ले रहे हैं तो आईफोन 11 की तरफ जाइएगा। बाकी का जो नॉर्मल वीडियो कॉल है वो आप आईफोन एक्स से भी कर सकते हैं। इतनी बेकार क्वालिटी भी आपको आईफोन एक्स में देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन कंक्लूजन की कि क्या आईफोन एक्स को आपको 2024 में कंसिडर करना चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर फोन को मैंने जितना भी यूज करा नॉर्मल यूसेज में बहुत तगड़ा चलता है, कोई भी इशू नहीं आता है। कैमराज भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले ऑलरेड मिलता है, तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत तगड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बस यहाँ पर हैवी यूसेज में ये फ़ोन दिक्कत दे जाएगा। गेमिंग अगर आपको अच्छी करनी तो फोन को स्किप करना पड़ेगा। बैटरी भी आपको इतनी दमदार देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक हैवी यूजर हैं, आपको परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए, गेमिंग तगड़ी चाहिए, बैटरी ज़्यादा चलने वाली चाहिए, तो आपको आईफोन एक्स को स्किप करके आईफोन 11 तक तो जाना ही पड़ेगा। बाकी का यहाँ पर ये आईफोन एक्स 15,000 रुपये का है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है एंड बैटरी हेल्थ भी 80% के ऊपर है। अगर आपको भी ऐसा सेकेंड हैंड कहीं देखने को मिल जाता है जिसकी कंडीशन तगड़ी हो एंड बैटरी हेल्थ 80% के ऊपर हो, मतलब इस पर ना हो, तो आप 15,000 रुपए तक आईफोन एक्स में डाल सकते हैं। उससे ज्यादा डालना इसमें वर्थ इट नहीं होगा। बाकी का यहाँ पर जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैं सेकेंड हैंड फोन कहाँ से लेता हूँ। अगर आपको भी जेन्युइन सेकेंड हैंड आईफोन बाय करना है तो स्ट्रीट मोबाइल को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको दे दूंगा, वहां पर आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक आईफोन देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी बंदे से या ओएलएक्स पे से कोई सेकेंड हैंड आईफोन ले रहे हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि सेकेंड हैंड फोन लेने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। एंड उस वीडियो को देखने के बाद आईफोन बाय करोगे तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके माइंड में भी कोई आईफोन है जो कि आप चाहते हैं कि उसका मैं वीडियो बनाऊं कि वो 2024 में कैसा परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।